Morning children, today I am going to study about from seeds to seedling. Science chapter 3, from seeds to seedling. You have learned that new plants grow from seeds. हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एक न्यू प्लांट कहाँ से निकलता है? सीड से. कहाँ से? सीड से. द सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एंड वो सीड कहाँ से आता है? फ्लावर से और फ्रूट से. लेट अस लर्न हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. तो अभी हम पढ़ेंगे सीड से एक प्लांट कैसे ग्रो करता है. सीड्स एंड देयर पार्ट्स. अब हम पहले हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे. सोक सम बीन सीड्स ओवरनाइट इन ए बाउल ऑफ वाटर. एक जल पात्र यानी कि वाटर, एक बाउल में वाटर रखिए रात में और उसके अंदर बीन का जो सीड है वो भी रख दीजिए पानी के अंदर भिगो. And take a soft seed and remove it out of covering. उसके बाद जब सुबह होगा या फिर 3-4 घंटे बाद उसी सीड बीन को उठाना है और उसका बाहर का जो हिस्सा है जैसे चमड़ा, जैसे हमारे शरीर में जैसे चमड़ा है ठीक उसी तरह बीन सीड जब भीग जाता है तो उसके ऊपर से एक आउटर कवरिंग निकल जाता है, उसको निकाल लेना है ठीक है. एंड द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट. तो उस सीड के जो ऊपर का हिस्सा रहता है जिसको हम निकाल दिए उसको हम बोलेंगे सीड कोट. यहाँ पर है आप लोगों के बुक में देखो. सो टेक ए पेन नाइफ एंड ब्रेक द सीड अलोंग इट्स जॉइंट. The seeds opens up into two halves. Thus, yellow fleshy part are called the cotyledons or seedlings. तो देखो, जब हम उसका outer side में seed, किसका seed? Bean का seed का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि outer covering जो है उसको निकाल लिया, उसका नाम है क्या? Seed coat. उसको निकालने के बाद एक नाइफ से उस सीड का दो टुकड़े कर दो. दो टुकड़े करने के बाद आप लोग देखोगे उसके अंदर येलो कलर का एक फ्लेसी पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉटिलेडंस और सीड लीव्स. इसको यहाँ पर जो देख रहे हो येलो कलर का, यहाँ पर जो येलो कलर का है उसको हम बोलेंगे कॉटिलेडंस और सीड लीव्स. सेपरेट दोस दस एंड यू विल फाइंड ए क्रीम कलर बेबी प्लांट. उसको सेपरेट करने के बाद वहां पर देखेंगे क्रीम कलर का जिसको हम बोलते हैं बेबी प्लांट ठीक है. उस सीड के अंदर से वो बेबी प्लांट निकलता है जिसके अंदर बेबी प्लांट है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉय. क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय. उसी बेबी प्लांट को हम एम्ब्रॉय भी बोलते हैं. द बेबी प्लांट हैज ए टाइनी शूट एंड ए टाइनी रूट. तो बेबी प्लांट का एक टाइनी रूट भी होता है, टाइनी मतलब छोटा, एक छोटा रूट भी होता है और एक छोटा शूट भी होता है. द बेबी प्लांट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलेडंस. और जो मैं बताया ये जो येलो पार्ट है सीड के अंदर जो येलो पार्ट है उसको हम बोलेंगे कॉटिलेडंस. तो जो उस कॉटिलेडंस के अंदर जो बेबी प्लांट है वो बेबी प्लांट अपना फूड कहाँ से पाता है? कॉटिलेडंस से अपना फूड को वो पाता है. ग्राम्स पीस एंड बीन्स आर टू कॉटिलेडंस ठीक है. ग्राम पी बीन इन सबका जो सीड से इन लोगों का इनका कितना कॉटिलेडंस होता है? दो कॉटिलेडंस होते हैं. और भी
कई सारे हैं, जैसे कि व्हीट, मेज, व्हीट, राइस, इनका सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है, दो कोटिलेडन नहीं होता। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अभी देखेंगे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। लेट अस सी हाउ ए प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अब हम पढ़ेंगे एक सीड से एक प्लांट कैसे ग्रो करता है। टेक सम बीन सीड्स, ठीक है, सम बीन सीड, थोड़ा हम बीन सीड लाएंगे। प्लेस द सीड्स ऑन ए पीस ऑफ मॉइस्ट कॉटन इन ए प्लेट, एक कॉटन रखेंगे हम भिगो के, ठीक है, प्लेट में पानी थोड़ा डाल के मॉइस्ट मॉइस्ट करके उसको भिगो के, कॉटन को भिगो के रखेंगे। कीप द कॉटन वेट, कॉटन जब वेट हो जाए पूरा भीग जाए उसका ध्यान रखेंगे। प्लेस द प्लेट नियर अ सनी विंडो, लुक एट द प्लेट एवरी डे, व्हाट यू ऑब्जर्व। वो कॉटन भीगने के बाद प्लेट में रखेंगे और वहां पर थोड़ा सा कौन सा सीड डालेंगे, सीड्स डालेंगे किसका, किसी का बोल सकते हैं आपके मर्जी, हम लोग डालेंगे बीन का। बीन का डालने के बाद क्या होगा, उसको कीप द सॉरी प्लेस द प्लेट नियर सनी विंडो, विंडो हमारे घर में विंडो जहां पर सनलाइट आता है वहां पर उस प्लेट को रख देंगे। लुक एट द प्लेट एवरी डे, और हर रोज हमें ध्यान से उस प्लेट को देखना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट आफ्टर टू थ्री डेज द सीड कवर बिकम्स सॉफ्ट एंड स्प्लिट्स ओपन। तो दो तीन दिन बाद जब हम देखेंगे सीड कवर बिकम सॉफ्ट एंड स्प्लिट्स ओपन, सीड का जो कवर होता है यानी कि क्या सीड को जो कवर करके रहता है सीड को, वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। द बेबी रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट सीड, और एक बेबी रूट और एम्ब्रॉय जो अंदर रहता है, हमने बोला कॉटिलेडन्स के अंदर क्या रहता है एम्ब्रॉय, तो वही एम्ब्रॉय धीरे धीरे बाहर निकलेगा, इसके बाहर सीड से बाहर निकलेगा, उसका रूट थोड़ा सा बाहर निकलेगा। आफ्टर ए फ्यू डेज स्मॉल लीव्स एमर्ज एंड ए न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, और कितने दिन बाद देखोगे स्मॉल लीव्स एमर्ज, छोटा सा लीव्स हो जाएगा और वो क्या होगा एक न्यू प्लांट वहां पर ग्रो हो जाएगा। द स्मॉल न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, और यही स्मॉल न्यू प्लांट जो न्यू ग्रो हुआ है उसको हम बोलेंगे सीडलिंग, ठीक है। व्हेन द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द सीड इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन क्या है, जब सीडलिंग होता है सीड से एक छोटा सा न्यू बेबी प्लांट जब निकलता है उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। दोज द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इन टू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बेबी प्लांट गेट्स ऑल इट्स फ्रूट फ्रॉम द कॉटिलेडन्स। तो जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन यानी क्या, सीडलिंग सीड से निकलना, न्यू प्लांट सीड से निकलना को हम सीडलिंग बोलेंगे। तो जब सीडलिंग होता है ये बेबी प्लांट अपना सारा फूड कहाँ से पाता है, कॉटिलेडन से पाता है। द कॉटिलेडन कंटेन ए स्टोर ऑफ फूड, और उसका जो कॉटिलेडन से वो उसका स्टोर ऑफ फूड है, वो वहां पर अपना फूड सब स्टोर करके रखता है फॉर बेबी प्लांट, न्यू बेबी प्लांट। द स्टेजेस इन द जर्मिनेशन ऑफ ए बीन सीड आर शोन बिलो, देखो यहाँ पर उसका स्टेज दिया है, छोटा सा सीड यहाँ पर थोड़ा सा रूट निकला, बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ और धीरे धीरे एक बड़ा प्लांट हो गया है, यही प्रोसेस है जर्मिनेशन, ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, अच्छा जर्मिनेशन करने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है, देखो सीड्स नीड स्पेशल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, लेट अस स्टडी दस कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी।
तो हम अभी कितना एक्टिविटी पढ़ेंगे और एक्टिविटी करेंगे जानने के लिए कि जर्मिनेशन करने के लिए कैसा कंडीशन हमको जरूरत है। टेक फोर प्लेस, ओके, टेक फोर प्लेस, हाउ मेनी प्लेस, फोर प्लेस, वन टू थ्री एंड फोर, ओके, देयर आर प्लेस, टेक फोर प्लेस, मार्क देम ए बी सी एंड डी, इसको हम नेम रखेंगे, एक का नाम ए बी सी एंड डी। प्लेस ड्राई कॉटन वूल एंड सम ड्राई बीन सीड्स इन प्लेट ए। प्लेट ए में क्या रखेंगे, प्लेट ए में हम रखेंगे ड्राई कॉटन वूल, ड्राई कॉटन वूल, कॉटन वूल, कॉटन का जो वूल है कॉटन का वो रखेंगे, लेकिन वो ड्राई होगा, ठीक है, वेट नहीं, ड्राई। एंड सम ड्राई बीन सीड्स इन प्लेट ए, तो प्लेट ए में हम रखेंगे क्या, ड्राई सीड्स एंड ड्राई कॉटन वूल, दोनों में ड्राई, प्लेट ए में ड्राई सीड्स, ड्राई कॉटन वूल। पुट दिस प्लेट ऑन ए विंडो सिल वेयर इट कैन गेट एयर सनलाइट एंड वाटर। उसके बाद हम प्लेट ए को एक विंडो के पास रख देंगे जहां पर सनलाइट एयर एंड वाटर आसानी से उसको मिले, ठीक है। तो प्लेट ए में हम क्या रखे, प्लेट ए में हम रखे ड्राई बीन सीड्स एंड ड्राई कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट, पुट्स मॉइस्ट कॉटन एंड सम सॉफ्ट सीड्स इन प्लेट बी एंड कीप इट ऑन ए विंडो सील, कीप द कॉटन मॉइस्ट ऑल द टाइम। प्लेट बी में हम क्या रखेंगे, वही एक सीड रखेंगे, लेकिन इस बार वो सीड होगा क्या, ड्राई नहीं, वेट, ठीक है, वेट सीड रखेंगे और एक क्या रखेंगे, मॉइस्ट कॉटन, जो कॉटन हम रखेंगे वो थोड़ा भीगा हुआ है, उसको हम पानी डालेंगे। एंड कीप इट ऑन ए विंडो सील, कीप द कॉटन मॉइस्ट ऑल द टाइम, और उसके उसको हम उसी प्लेट को, प्लेट बी को हम रख देंगे उसी विंडो के पास जहां पर एयर सनलाइट एंड वार्म ठीक से पाए। नेक्स्ट, प्लेट बी, सॉरी प्लेट सी, पुट सम सॉफ्ट बीन सीड्स इन प्लेट सी एंड कवर देम विद वाटर, कीप दिस प्लेट ऑन ए विंडो सील। यहां पर भी हम वेट सीड रखेंगे, लेकिन इसको इस प्लेट पे पूरा पानी से कवर करके रखेंगे, इसको भी हम एक विंडो के पास रख देंगे। देन प्लेट डी, पुट सम सॉफ्ट बीन सीड्स इन प्लेट डी एंड प्लेस इट इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर। उसके बाद प्लेट डी को हम क्या करेंगे, ट्राई, सॉरी ड्राई नहीं, सॉफ्ट बीन सीड्स, सॉफ्ट और वेट, वेट और सॉफ्ट बीन सीड्स को प्लेट बी में रखेंगे और उस प्लेट को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। प्लेट ए फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, प्लेट ए में ड्राई सीड एंड ड्राई कॉटन वूल, ठीक है, फिर इसको रख देंगे किसके पास, विंडो के पास जहां पर क्या है, अच्छे से वार्म सनलाइट और एयर आ सके। प्लेट बी में सॉफ्ट बीन सीड एंड कॉटन, मस्ट कॉटन, ठीक है, और ध्यान रखना है हमें ये हरदम वो कॉटन मॉइस्ट ही रहे, ठीक है, ड्राई ना हो पाए, और उसको भी वही विंडो के पास हम रख देंगे जहां पर अच्छे से एयर वाटर, सॉरी एयर सनलाइट एंड वार्म पास सके। देन प्लेट सी में क्या करेंगे, हम प्लेट सी में सीट डालेंगे और उसके ऊपर पूरा पानी से कवर कर देंगे, उसको भी हम विंडो के पास रखेंगे, लेकिन प्लेट डी उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। कितने दिनों के बाद क्या होगा, आफ्टर टू थ्री डेज, दो दिन या तीन दिन के बाद यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। दो तीन दिन के बाद देखोगे प्लेट ए में क्या हुआ, प्लेट बी में क्या हुआ,
या प्लेट सी में जो सीट था उसका क्या हुआ और प्लेट डी का जो सीट है उसका क्या हुआ। प्लेट ए में क्या हुआ होगा, डिड द प्लांट ग्रो और नॉट? नॉट। ओके, प्लांट अच्छे से ग्रो किया नहीं किया, क्यों? बिकॉज देयर वाज नो वाटर। प्लेट ए में कोई वाटर नहीं था, दोनों ड्राई था, है कि नहीं? सो प्लेट ए का जो सीड है वो ग्रो नहीं किया। प्लेट बी, उसका सीड क्या हुआ दो तीन दिन बाद? Did the plant grow or not? Yes, the plant grow because the seeds are air, water, sunlight and warm. Seeds क्या थे? Soaked seeds थे। वो air ठीक से पाए, sunlight ठीक से पाए और warmth भी ठीक से पाए। तो इसका मतलब plant B में जो seeds था उसके अंदर से एक एम्ब्रो या छोटा सा प्लांट ग्रो हो गया। प्लेट सी में डिड द प्लांट ग्रो और नॉट? नॉट। नो। व्हाई? बिकॉज सिंस सीड्स वर सॉक्ड इन वाटर दे डिड नॉट गेट एनी एयर। क्योंकि प्लेट सी में जो सीड्स थे हम क्या किए थे, उस सीड्स को पानी में कवर किए हुए थे, ठीक है, इसलिए वो एयर को नहीं पा सका, इसलिए वो ग्रो नहीं हुआ। ये वाला ए ग्रो नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सॉरी बी हुआ, सी नहीं हुआ, डी का क्या हुआ? डिड द प्लांट ग्रो? नो, बिकॉज इट वाज वेरी कोल्ड इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में ये वाला हम कहाँ पर रखे थे? फ्रिज में बहुत क्या है, कोल्ड है, इसलिए ये भी ग्रो नहीं हुआ, सिर्फ प्लेट बी ही ग्रो हुआ, ठीक है। इसका मतलब हम समझ गए कि एक सीड से एक प्लांट ग्रो करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन उसको चाहिए। अच्छा एयर, अच्छे से एयर वो पा सके, वाटर, सनलाइट, वार्म, है कि नहीं? सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर सीड्स टू जर्मिनेट द एसेंशियल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, दे आर वाटर, एयर, सनलाइट एंड प्रॉपर टेम्परेचर और वार्म, प्रॉपर टेम्परेचर। डू ऑल सीड्स ग्रो इक्वली? अच्छा ये जो प्लेट ए बी सी डी में जितने भी हम सीड रखे थे सब ग्रो इक्वली ग्रो हुए क्या? नहीं, ऑल सीड डू नॉट ग्रो वेल इन द सेम कंडीशन, ठीक है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। Take a flower pot, fill with garden soil. एक फ्लावर का पॉट लेना है और उसके अंदर क्या करना है, गार्डन का कुछ सॉइल लाके डाल देना है। Sow a few seeds of beans and green gram. तो वहां पर जो हम पॉट लाए थे और कहाँ का आप लोगों का जो गार्डन है, गार्डन से जो सॉइल लाए थे उसके ऊपर हम क्या करें ना, सीड ऑफ बीन्स एंड ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम का, ग्राम का और सीड्स का, सॉरी बीन्स का सीड उसके ऊपर डाल देना है। किसके ऊपर? उस पॉट के ऊपर लगा देना है। वाटर द पॉट रेगुलरली, और उसी पॉट में जिसमें हम सीड डाले हैं उसको हर दिन पानी देना है। ऑब्जर्व आफ्टर ए वीक, एक वीक और सेवन डेज के बाद देखना क्या होता है। मेजर द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, वी विल ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। तो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि कैसे सीडलिंग हुआ है उन लोगों का। वो जो दो प्रकार का सीड हम डाले थे, एक डाले थे बीन्स का और एक डाले थे ग्रीन ग्राम का, तो ये जो दो सीड का ग्रोथ का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखो। तो द कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग वेर द सेम, बोथ द सीड डिड नॉट ग्रो इक्वली वेल। ये जो दो सीड हम लगाए थे, एक किसका, ग्राम का और एक बीन्स का, ठीक है, इनका लगाना, इनको पानी देना, इनका एयर वाटर सब
तरह का था, सॉइल भी एक ही तरह का था, लेकिन इनका जो सीडलिंग सेम तरीके से नहीं हुआ या इनका ग्रोथ सेम तरीके से नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज दिस मे बी ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ सीड, क्योंकि ये दो टाइप का सीड है, एक टाइप का सीड्स नहीं, ये सीड्स अलग अलग है। फार्मर्स मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज, सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक व्हीट, जोवर, पीस, कॉर्न आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड। तो यही नॉलेज को फार्मर्स यूज करते हैं। देखो, सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक व्हीट, जोवर, पीस, कॉर्न, ये सब क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली खेतों में डाल देते हैं। इनका जो सीड होता है ये डायरेक्टली डाल देते हैं। बट द सीड ऑफ क्रॉप्स लाइक पेडी, ब्रिंजल्स एक्सेट्रा आर ग्रोन इन स्पेशल नर्सरी बेड्स बिफोर दोज आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। लेकिन और भी कई सारे सीड्स है, जैसे कि ब्रिंजल, पेडी, इन सबको दूसरी जगह लगाते हैं। जब उसके अंदर से एक छोटा बेबी प्लांट निकलता है, न्यू बेबी प्लांट निकलता है, उसके बाद उसको वहां से उठा के अपने खेतों में लगाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्लांटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट यंग प्लांट्स और सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी बेड्स एंड ट्रांसफरिंग देम टू ए फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो हम नर्सरी में या फिर और किसी जगह जो प्लांट लगाते हैं और जब वो बड़ा होता है या एक बेबी न्यू प्लांट निकलता है, ग्रो करता है, उसको वहाँ से उठाकर फिर दूसरे खेतों में जो प्रोसेस लगाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। व्हेन द यंग सीडलिंग कम आउट इन द फील्ड, द फार्मर्स रिमूव दोस व्हिच आर नॉट ऑफ हेल्दी ग्रोथ। इन दिस वे द रिमेनिंग सीडलिंग्स गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फेवरेबल कंडीशंस फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ दी प्लांट। तो सीडलिंग के बाद जब सीडलिंग होता है तब फार्मर क्या करते हैं, द फार्मर्स रिमूव दोस व्हिच आर नॉट ऑफ हेल्दी ग्रोथ, जो सीड न्यू प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हुआ उसको वो फार्मर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकालते हैं, ताकि बाकी जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो लोग ठीक तरीके से अपना न्यूट्रिएंट पा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 लोगों का फूड है। ठीक है, इस फूड को सिर्फ 5 लोग खा सकते हैं। अगर उसी फूड को 15 लोग खाएंगे तो किसी का भी पेट अच्छे से नहीं भरेगा। ठीक उसी तरह फार्मर्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हुआ उसको निकाल के फेंकते हैं और जो अच्छे से ग्रो होता है वो उनको वो रख देते हैं, ताकि बाकी जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से अपना अपने ठीक मात्रा में अपना न्यूट्रिएंट पा सके। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो देखेंगे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है। प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मेनी सीड्स इन ऑल द सीड्स वेल टू ग्रो नियर द मदर प्लांट, इट वुड लीड टू एन ओवरक्राउडिंग ऑफ द यंग प्लांट्स। तो देखो, एक प्लांट जनरली हम कहेंगे कि प्लांट्स बहुत सारे एक टाइम में बहुत सारे सीड्स को वो प्रोड्यूस करता है। इफ ऑल द सीड्स वेर टू ग्रो नियर द मदर प्लांट, इट विल लीड टू अन ओवरक्राउडिंग ऑफ द यंग प्लांट्स। अगर सब सारे सीड्स एक ही जगह पर ग्रो करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ओवरक्राउडिंग हो जाएगा, ज्यादा भीड़ हो जाएगा, है कि नहीं। All these young plants would not survive because they would not get enough light, food, water and space to grow. जैसे हम बोले थे 5 लोगों का फूड 15 लोग खाएंगे तो किसी का भी पेट ठीक से नहीं भरेगा,
ठीक है, और वो 15 लोग ठीक से ग्रो भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह मदर प्लांट के पास अगर उनके सब जो सीड से वो सब ग्रो करेंगे तो किसी को भी ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, और ग्रो करने के लिए उनको स्पेस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड मेनी ऑफ दिस प्लांट्स वुड डाई, एंड इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट जो कि मर जाएंगे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम नेचर हैज प्रोवाइडेड मेनी वे ऑफ स्कैटरिंग सीड्स। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो इसीलिए अगर सब एक ही जगह पर होंगे तो कोई अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, है कि नहीं? इसीलिए नेचर ने एक बहुत अच्छा हमें एक वे प्रोवाइड किया है स्कैटरिंग सीड्स। ठीक है, एक अच्छा सा नेचर ने ये हमको प्रोवाइड किया है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, मदर प्लांट जो सीड देता है इस स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है ना, अपने मदर प्लांट से दूर चला जाता है सीड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्सल। ठीक है, अच्छा कैसे जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अकर्स इन मेनी वे, बहुत सारे वे से सीड डिस्पर्सल होता है। तो कैसे, अगर एक मदर प्लांट अभी यहां पर सीड गया तो ये सीड वहां से जाएगा कैसे? ठीक है, बहुत सारे उसका वे हैं, बहुत सारे उपाय हैं कैसे जाता है सीड एक जगह से और एक जगह और एक प्लेस से और एक प्लेस, उसको हम अभी डिस्कस करें। ठीक है, सो पहला वे पढ़ेंगे हम बाय विंड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कॉटन, मदर, पिप्टेस, ड्रमस्टिक आर वेरी स्मॉल और स्मॉल। बहुत सारे सीड है जैसे कि कॉटन, मदर, पिप्टेस एंड ड्रमस्टिक, इनका सीड बहुत स्मॉल, बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड लाइट एंड हाफ विंग्स ऑन और हेयर, उनके सीड में हेयर होता है लाइक विंग्स एंड लाइट कलर, लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। देयरफॉर दोज सीड्स आर इजीली कैरीड टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय विंड। इसके वजह से क्या होता है, जब विंड आता है, जब हवा चलता है, उस हवा की वजह से क्या होता है ना, वो सीड हवा की वजह से उड़ के एक प्लेस से और एक प्लेस में चला जाता है। ठीक है, सो डिस्पर्सल कैसे हुआ, बाय विंड, बाई विंड से हुआ। देन बाय वाटर, बाय वाटर कैसे होता है, देखो प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम और सी डिस्पर्स देयर सीड्स बाय द फ्लो ऑफ वाटर। जो प्लांट रिवर के पास होता है, स्ट्रीम सी के पास होता है, वो अपना जो सीड को कैसे डिस्पर्स करता है, थ्रू फ्लो ऑफ वाटर, पानी के द्वारा। पानी यहाँ से वहाँ फ्लो करके जाता है, उसी पानी के साथ उसका सीड भी दूसरी प्लेस में चला जाता है और उधर जाके ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल द सीड ऑफ कोकोनट, ओके, देन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा भी सीड्स स्कैटरिंग होते हैं और डिस्पर्सल होता है। कैसे, देखो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट सर्टेन फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम भी बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं और उसका सीड क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है कि नहीं? इधर कोई इधर फेंका, कोई इधर, जिसका जहाँ पर मर्जी वो सीड वहाँ पर फेंक देते हैं। Some seeds have hook and spikes that stick to the pure of animals or clothing of human beings and are carried to different places
and some floors are eaten by animals and birds, but their seeds are passed undigested and are harmed in their droppings. Therefore, they reach different places. So, ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिसका सीड एनिमल्स बर्ड्स खा जाते हैं, लेकिन उसका जो सीड है पेट में जाके वो अनडाइजेस्ट होता है, अर्थात डाइजेस्ट नहीं होता। Therefore they reach different places, और वो भी different places में चला जाता है। By expulsion of fruits, by expulsion of fruits, some fruits burst open or explode on drying. As a result, they are thrown with cores in all directions. For example, the seed of sweet pea, balsam, or squatting cucumber scatter due to expulsion. Some fruits burst open or explode on drying. टाइम सूख जाने की वजह से वो एक्सप्लोर कर देते हैं। आज रिजल्ट दे आर थ्रो विथ फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। जब वो ब्रश करता है मतलब फट जाता है ड्राइंग होने से, क्या होता है उसका सीड दूसरी ओर जाके गिरता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सीड? स्वीट पी, बल्सम, ठीक है, ककम्बर एटसेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे crops and vegetables. If we know the conditions that are suitable for healthy germination of seeds, we can grow better crops. अगर हम एक हेल्दी जर्मिनेशन, सीड का हेल्दी जर्मिनेशन करने का ठीक तरीका या उसका कौन सा कंडीशन में एक अच्छा सीड, एक सीड अच्छे से ग्रो करेगा, अगर हम ये जानते हैं, अगर ये हम जान पाए तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? फार्मिंग कर सकते हैं। We know that for their healthy growth, plants need suitable soil, water, minerals, humus, temperature and sunlight. इतना हमें पता चल गया कि एक प्लांट अच्छे से ग्रो करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन उसे लगता है। सुइटेबल सॉइल, अच्छा सॉइल, वाटर, मिनरल्स, हमस, टेम्परेचर एंड सनलाइट। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। तो ये भी हमको जानना पड़ेगा कि प्लांट्स अलग अलग टाइप का सॉइल को रिक्वायर करते हैं, उनको अलग अलग सॉइल चाहिए, ठीक है। जैसे किसको चिकन पसंद है, किसको मटन पसंद है, किसको चिकन मटन पसंद नहीं है, ठीक उसी तरह प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में ग्रो करते हैं। राइस एंड जूट फॉर एग्जांपल ग्रो इन क्ले सॉइल। फॉर एग्जांपल क्ले सॉइल में राइस और वीट बहुत अच्छा होता है। Which holds enough water, जो कि बहुत पानी उसको होल्ड करके रखता है, क्ले सॉइल, ठीक है। तो क्ले सॉइल में क्या अच्छा होता है? राइस एंड वीट। दैट इज वाई मोर राइस इज ग्रोन इन और अराउंड बेंगाल। इसलिए बेंगाल के आसपास के इलाके में बहुत राइस प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उधर बहुत उनका सॉइल क्ले होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वीट इज ग्रोन इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और वीट के लिए सैंडी सॉइल चाहिए, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश पे और पंजाब पे, इसलिए वहां पर ज्यादा वीट होता है। हमारे इधर वीट होता है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा इधर का सॉइल सैंडी नहीं है, ठीक है। जोवर एंड बाजरा आर ऑल्सो ग्रो
राजस्थान, राजस्थान में है सैंडी सॉइल, इसलिए उधर क्या होता है ज्वार और बाजरा, इसका मतलब ज्वार और बाजरा और दूसरे किसी सॉइल में अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे। ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज गुड फॉर कॉटन, और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्या होता है कॉटन होता है। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल एंड मोस्ट टी प्लांटेशंस आर इन हिली प्लेसेस ऑन द स्लोप ऑफ हिली एरियाज ऑफ असम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग। सो टी प्लांट मॉइस्ट सॉइल, जो भीगा हुआ है जो सॉइल मॉइस्ट है, थोड़ा थोड़ा पानी है वहाँ पर, अच्छा होता है। और ज़्यादातर टी प्लांटेशन कहाँ पर किया जाता है, हिली एरिया में जहाँ पर स्लोप है। कौन सी जगह में, दार्जिलिंग में, आसाम, नीलगिरी, यहाँ पर ज़्यादा क्या होता है टी होता है, टी प्लांट। मेज ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल और प्लेन्स ऑफ हिल्स, मेज कहाँ पर अच्छे से ग्रो होता है, ड्राई सॉइल में, सूखा हुआ सॉइल में, जैसे कि प्लेन्स एरिया में, हिल्स में। एंड कोकोनट ट्रीज ग्रो प्रॉपरली ऑन इन कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरिया में अच्छा क्या होता है कोकोनट। तो ये जो प्लांट है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एरिया का डिफरेंट सॉइल होता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स और डिफरेंट सीजन, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन में भी ये सब होते हैं। जैसे कि देखो हम मैंगो खाते हैं, समर सीजन में मैंगो होता है, दूसरे कोई सीजन में मैंगो नहीं होता। वैसे ही क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रो इन विंटर, विंटर सीजन में क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, ये सब ग्रो होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। राइस, ज्वार, बाजरा ग्रो इन समर सीजन, ये सब समर सीजन में होता है। क्या क्या, राइस, ज्वार एंड बाजरा, इसलिए हम इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, हमारे कंट्री में सब जगह वेजिटेबल्स होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन, रेडिस, पी ग्रो वेल ड्यूरिंग विंटर, विंटर सीजन में ये सब बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कौन कौन सा वेजिटेबल्स विंटर सीजन में होता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन, रेडिस, ओके एंड पी ऑल्सो। इन द समर वेजिटेबल्स लाइक पम्पकिन, ब्रिंजल एक्सेट्रा, ठीक है। दस डेज मैनर्स एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। आजकल क्या होता है ना, सॉइल में फर्टिलाइजर और केमिकल मैनर्स ये सब डाला जाता है ताकि वहां पर अच्छे से वेजिटेबल्स अच्छे से प्रोडक्शन किया जा सके। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड काउ ड्यूंग आर कॉमन मैनर्स। मैनर्स क्या है, काउ ड्यू, गोबर, गोबर और जो डेड एनिमल्स है उनका, उनको सब डिकेइंग डेड एनिमल्स, वो सब मैनर्स है। उसको भी मिट्टी में डालने से उस मिट्टी में बहुत अच्छा वेजिटेबल ग्रो करता है। द कॉमन फर्टिलाइजर्स आर, फर्टिलाइजर्स क्या है, जैसे कि यूरिया, ठीक है, बाजार में मिलते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट्स एक्सेट्रा। फॉर ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट एडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स, ये सब मेथड्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से और हेल्दी क्रॉप कर सकते हैं। यूज हेल्दी सीड्स ऑफ बेस्ट वेराइटी ऑफ सॉइल, हेल्दी सीड्स को हम अगर यूज करेंगे तो अच्छा वो ग्रो करेगा। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग, लैंड को अच्छे से फार्मिंग करना पड़ेगा। एड मैनर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, और
डिफरेंट टाइप ऑफ मैनर्स जैसे कि काउ ड्यू गोबर, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, ये सब मिट्टी में डालना पड़ेगा। इरिगेट द सॉइल प्रॉपरली और उस सॉइल को प्रॉपरली पानी देना पड़ेगा। ये सब कदम हम फॉलो करेंगे तो वहां पर अच्छे से अच्छा वेजिटेबल्स ग्रो करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, क्रॉप्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। अगर अच्छा क्रॉप्स पाना है तो हमको उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट काउज एंड बिफालोज बाय प्रॉपर फेंसिंग। जो काउ गोट है वो सब जमीन के अंदर चले आएंगे, है कि नहीं, जहां पर हम प्लांट्स लगाएंगे उधर आके वो सब खा जाएंगे, इसलिए एनिमल से उनको उस प्लांट्स को बचाने के लिए हमें अच्छे से फेंसिंग करना होगा। उसको जमीन के चारों तरफ अच्छे से उसको बांधना पड़ेगा ताकि बाहर का एनिमल्स अंदर न आने पाए। प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग ईटन और स्पॉइल्ड बाय रैट्स, माइस, स्क्वायरल एंड अदर बर्ड्स। और भी सारे बर्ड्स से, एनिमल्स से, स्क्वायरल, माइस से, ये सब ना खा जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। द डिजीज प्लांट शुड बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड रेगुलरली। और जो प्लांट को डिजीज हो गया है, खराब हो गया है, उसको काट के वहां से निकाल लेना है रेगुलरली। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, ताकि एक से और एक को डिजीज ना हो पाए। एक प्लांट अगर खराब हो गया तो दूसरा प्लांट खराब ना हो सके, इसलिए जो प्लांट खराब हो गया है, जिसको डिजीज हो गया, उसको काट लो और बाहर नेक्स्ट। और क्या कर सकते हैं हम? प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट। और हमें क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बचाना है, उसको इंसेक्ट से भी बचाना है। कैसे बचाना है? क्रॉप शुड बी स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्रॉप्स के ऊपर हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हमको स्प्रे करना है। शौचाल, गैमाक्सिन, डीडीटी एटसेट्रा। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स मस्ट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, दस हैव टू केप सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट। ये सब होने के बाद हमें रैट्स हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायरल हो, इंसेक्ट हो, इन सबसे हमको हमारे क्रॉप्स को बचाना है। सो द सीड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील कंटेनर। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। ओके।